हेलो गाइस वेरी मोर वेलकम टू सक्सेस एजुकेटर आज के इस वीडियो में हम एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं राइट right? सो so, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे जा चुके हैं उनको हम डिस्कस करेंगे गुड इवनिंग नितिका जी ठीक है गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सुनीता गुड इवनिंग अनिता जी गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग है सो so गाइज आज जो है हमारा एच पी जी के का एम सी क्यू सेशन रहेगा और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कांगड़ा के जो भी क्वेश्चन बनेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे जा चुके हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं राइट सो इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा और मैं बता दूं मैक्सिमम स्टूडेंट जो है एम प्रैक्टिस नहीं करते हैं थ्योरी पार्ट पढ़ के जाते हैं लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड जो एम बन सकते हैं उनको प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्टली प्रीवियस ईयर पेपर्स में से पूछ लिए जाते हैं या फिर ऑप्शन को आगे पीछे कर दिया जाता है और जो है आपको मैनिपुलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है राइट right. राधे राधे जी हेलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग है गुड इवनिंग गुड इवनिंग चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं ट्वेंटी थर्टी सेकेंड फिर स्टार्ट करेंगे बाकी स्टूडेंट चैनल को जो है ज्वाइन कर ले जल्दी से जल्दी राइट चलिए सो so, हमने आफ्टरनून में दूसरा लेक्चर भी डाला है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं ठीक है जो ओ टी के लिए एक कंप्यूटर का लेक्चर है वो भी आप चेक कर लेना ज्योग्राफी का जो है हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं राइट right? तो आप जो है वो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज्योग्राफी एज ए पूरा सब्जेक्ट भी मैं स्टार्ट करूंगा आने वाले समय में राइट right? सो so, एक साथ काफी सारी चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती पहले हम कुछ चीजों को टारगेट करेंगे जैसे एचपी जी को कंप्लीट कर लेते हैं साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर तो हमारे चल ही रहे हैं साथ ही साथ और हम कंप्यूटर को भी कवर कर रहे हैं एम के थ्रू गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से चलेंगे आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं पहला जो क्वेश्चन है वो सेवंथ नंबर का बड़ा बंगाल कहां पे है दोस्तों बड़ा बंगाल किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है जेबीटी है ये एग्जाम में क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया था उसके बाद भी ये 2021-22 में रिपीट हुआ है तो तो बड़ा तो बड़ा बंगाल बंगाल मैंने आंसर छुपा दिए हैं जो है आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा बड़ा बंगाल कहां पे है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है जहां से आपकी कौन सी नदी निकलती है रावी रिवर ठीक है रावी रिवर कहां से निकलती है बड़ा बंगाल से निकलती है याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर एट किंग ऑफ नूरपुर वाज सेंट बाय शाहजहां टू फाइट अगेंस्ट द उजबेक्स ऑफ बल तो याद होगा मैंने आपको करवाया है कि शाहजहां ने नूरपुर के किस राजा को जो है, उस बेक्स, उस बेक्स जो है उनके साथ लड़ाई करने के लिए भेज दिया था तो देखो जगत सिंह ने रिवोल्ट कर दिया था राइट सिक्सटीन फोर्टी वन फोर्टी टू के अंदर अगेंस्ट जहांगीर और जहांगीर का जो उस समय जो है बेटा था वो था शाहजहां तो ये भी नेतृत्व कर रहा था तो जब जगत सिंह हार जाता है तो ये माफी किससे मांगता है जगत सिंह तो तोडरमल से माफी मांगेगा और जो है बाद में शाहजहां और जहांगीर इसको माफ कर देते हैं शाहजहां इसको फिर भेज भेजता है कहां पे उज्बेकिस्तान में जगत सिंह को ठीक है तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा उज्बेकिस्तान में लड़ने के लिए जो है इसको बाद में भेजा गया था याद रखिएगा जिसने जो है धमेड़ी से नूरपुर नाम चेंज किया था सोलह में कब किया था 1622 सो बाईस में जो है नाम चेंज किया था राइट right, जगत सिंह वेरी गुड सभी का आंसर सही है गुड चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन वट वॉज द नेम ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ द किंग ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ नूरपुर देखो जो सरनेम था या फिर हम बोले हाँ सरनेम बोल सकते हैं जो सरनेम था जो नूरपुर के राजाओं का वो क्या था वो किस क्लैन के थे वो किस वंश के थे ये पूछा जा रहा है किस वंश के थे तो हमने डिस्कस किया था पठानिया जो है पठानिया वंश के थे तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा राइट चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर टेन विच किंग ऑफ नूरपुर रिफ्यूज टू टेक द जागीर फ्रॉम महाराजा रणजीत सिंह आफ्टर अकुपाइंग हिस्ट किंगडम ये भी हमने डिस्कस किया था याद करो कि महाराजा रणजीत सिंह ने जब नूरपुर को कैप्चर कर लिया था राइट और उस नूर, उस समय नूरपुर का राजा कौन था नूरपुर का राजा था वीर सिंह ठीक है तो वीर सिंह को जागीर दे दी गई थी बारह हजार कितना रुपए देकर लेकिन वीर सिंह ने जो है यहाँ पे इनकार कर दिया था ठीक है ना ही वो मिलिट्री कॉन्फ्रेंस जब हुई थी रंजीत सिंह के सियालकोट में वहां गया था तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा वीर सिंह तो याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन डीप जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये लेक्चरर के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन ओके चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन पे चलेंगे हु इज नॉट द रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ गुलेर गुलेर का राजा इनमें से कौन सा नहीं है टैट आर्ट्स में पूछा गया है 2016 में कि इनमें से कौन सा रूलर जो है गुलेर का नहीं है तो हरिचंद ने तो क्या फाउंडर था याद होगा हरिचंद क्या था फाउंडर था ना हमीरचंद क्या हो सकता है अभयचंद हो सकता है रामचंद हो सकता है तो हरिचंद और रामचंद तो हमने पढ़े थे ठीक है बात आती है बी और डी में से तो सही आंसर जो होगा वो होगा हमीरचंद क्योंकि हमीरचंद जो है इसने हमीरपुर की स्थापना करी थी याद होगा ये भी हमने पढ़ा था ओके सो बाकी अभयचंद रामचंद हरिचंद ये सारे जो है गुलेर के राजा रहे हैं राइट बिल्कुल बिल्कुल नीतिका जी हमीर चंद ऑप्शन होगा सुनीता का आंसर सही है वेरी गुड गुड शाबाश सही आंसर है तो इससे क्या होता है देखो जब आप एमसीक्यूज लगाते हैं ना तो आपका ब्रेन काम करता है कि हमने ये चीज पढ़ी है ठीक है ये चीज हमने पढ़ी है और उसको रिट्रीव करना दिमाग के अंदर वहां पे जो जब वो जो है आपकी कोशिश लगती है वहां पे ही जो है वो चीजें आपको ज्यादा समय तक याद रहती हैं फिर ठीक है एग्जाम हॉल में बैठोगे तो कुछ अलग प्रेशर होता है तो उस टाइप का जो है प्रेशर लेने की पहले कोशिश करनी प्रेशर क्यों लेना लेकिन प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए एमसीक्यूज की बिफोर एग्जामिनेशन चलिए ट्वेल्व नंबर पर क्वेश्चन चलेंगे विच हेड ऑफ द वेल नोन हाउस होल्ड ऑफ थ्रीगर मैरिड हिज डॉटर टू राणा ऑफ किरम वन ऑफ हिज सबोर्डिनेट्स तो इसका राइट आंसर क्या होगा हृदय चंद इसका राइट आंसर होगा हृदय चंद ठीक है कीर ग्राम कीरम लिखा हुआ आई थिंक कीर ग्राम होगा यहाँ पे कि त्रिगर्त की जो इन्होंने अपनी त्रिगर्त का राजा था उसने अपनी बेटी की शादी जो है कीर ग्राम के राणा के साथ की थी राइट right? सो so, उसका नाम हृदय चंद्र था ओके ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच किंग ऑफ त्रिगर्त मैरिड हिज डॉटर टू राणा लक्ष्मण चंद्र ऑफ बैजनाथ हु वॉज हिज सबॉर्डिनेट जागीरदार तो यहां पे ऊपर हरिचंद था ये भी कीरग्राम होगा कीरम लिखा हुआ है ये गलत है कीर ग्राम होगा ठीक है बैजनाथ की बात हो रही थी वहां पे भी तो यहां पे पूछा है कौन सा राजा था जिसने अपनी बेटी की शादी जो है जो कीरग्राम का जो बैजनाथ का राजा था राणा लक्ष्मण चंद्र के साथ करी थी तो राजा का नाम हृदय चंद्र था ठीक है ऊपर तो इसका आंसर भी क्या होगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है हृदय चंद्र नाम याद रखिएगा राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन मैनी मोर प्रिंसली स्टेट्स एमर्ज फ्रॉम कांगड़ा प्रिंसली स्टेट विच वॉज फर्स्ट ब्रांच ऑफ देखो काफी सारी प्रिंसली स्टेट जो है कांगड़ा प्रिंसली स्टेट से निकली हैं लेकिन यहां पे पूछ रहे हैं पहली ब्रांच कौन सी थी पहली ब्रांच जो निकली है वो निकली है कौन सी हमने इसको पढ़ा था जसवा ऑप्शन बीस का सही आंसर होगा जो थी पहली रियासत थी जो कि कांगड़ा से अलग हुई थी ठीक है गुलेर जो थी वो सेकंड थी और गुलेर से आगे निकली कौन सी सिब्बा ठीक है और सिब्बा प्लस दतारपुर को मिला के जो है क्या बन गया था डाडा सिब्बा डाडा सिब्बा राइट चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे विच वॉज द स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट इन कांगड़ा रीज़न तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बन गया कि सबसे छोटी रियासत जो थी कांगड़ा से अलग होने वाली ये दोनों हमने किए थे हमने ये भी देखा था कि पहली ब्रांच कौन थी और दूसरी जो है सबसे छोटी वाली रियासत कौन सी थी हाँ जसवां आप याद रख लो पूर्व चंद के द्वारा जो है 1170 में ठीक है इसको फाउंड किया गया था राइट right? और गुलेर को कब किया गया था जल्दी से बताओ सिब्बा को किया गया था 1450 में राइट right? गुलेर का बताना है जल्दी से जल्दी जो है आंसर देते चलेंगे गुलेर को कब जो है फाउंड किया गया था हरिचंद के द्वारा कब फाउंड किया गया था गुलेर को गुलेर को कब फाउंड किया गया था वेरी गुड सुनील का आंसर आ गया है 1405 में ठीक है याद रखिएगा गुलेर को 1405 में जो है अमीर चंद के द्वारा जो है उसकी फाउंडेशन रखी गई थी राइट right. चलिए तो स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट की बात हो रही है तो कुटलेहर थी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा तो कुटलेहर का बताइए कि कब जो है इसकी स्थापना करी गई थी कुटलेहर प्रिंसली स्टेट की और इसके फाउंडर का नाम जल्दी से बताना जल्दी जल्दी से काफी लेट आंसर आ रहे हैं आपके चलो मैं बता देता हूँ ठीक है तो कुटलेहर क्या था एक ब्राह्मण था मैंने आपको डिस्कस किया था हमने कि ब्राह्मण था जिसका नाम था जसपाल तो जसपाल नाम का ब्राह्मण ने जो है कुटलेहर प्रिंसली स्टेट की स्थापना करी थी ओके चलिए सो दसवीं ग्यारहवीं शताब्दी में टेंथ या फिर एलेवंथ सेंचुरी में जो है इसकी स्थापना करी गई थी स्पेसिफिक डेट नहीं है आप सेंचुरी याद रख सकते हैं ओके चलिए सिक्सटीन पे चलेंगे विच प्रिंसली स्टेट वॉज बोर्न सिब्बा प्रिंसली स्टेट ओके okay, सो so यहां पे पूछ रहा है कि सिब्बा से अल, सिब्बा जो है किस प्रिंसली स्टेट से अलग हुई है तो हमने ये भी डिस्कस किया था सिब्बा किससे निकली है गुलेर से दतारपुर से जसवा से या फिर नूरपुर से जल्दी से आंसर बताइए राइट गुलेर ठीक है गुलेर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन पे इन विच रीजन ऑफ कांगड़ा राणा सेक्रीफाइज हर डॉटर इन लॉ टू ओपन ए वाटर पैसेज इट इज सेट सो कांगड़ा के किस रीजन में जो है राणा ने अपनी डॉटर इन लॉ को जो है सेक्रीफाइस कर दिया था वाटर पैसेज की वजह से ओके okay, सो so इसका राइट right आंसर होगा खनियारा में ठीक है ऑप्शन बी खनियारा अलाइड सर्विसेज 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है ओके okay, खनियारा इसका सही आंसर होगा चलिए 18 पे चलते हैं डैश वाज़ द फर्स्ट मुगल गवर्नर ऑफ कांगड़ा तो कांगड़ा का पहला जो मुगल गवर्नर था वो कौन था नवाब अली खान ठीक है नवाब अली खान पहला था और लास्ट वाला जो था वो नवाब सैफ अली खान था राइट चलिए नेक्स्ट नाइनटीन क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू कनिंगम विच प्रिंसली स्टेट बिलोंग टू द कांगड़ा प्रिंसली ग्रुप कनिंगम के अनुसार जो है कौन जो है कांगड़ा रियासत का पार्ट था तो झेलम और ब्यास का एरिया रावी और ब्यास के बीच का एरिया या फिर ब्यास और सतलुज का एरिया या फिर रा, रावी टू सतलुज का एरिया तो किसको जो है कांगड़ा प्रिंसली स्टेट माना गया है त्रिगर्त हम बोल सकते हैं तो कनिंगम के अनुसार जो है आपने बताना है तो गाइज ये जो ऑप्शन डी है सही आंसर होगा जो रावी और सतलुज का एरिया था रावी से लेके सतलुज वाला एरिया ठीक है वो इसका पार्ट था तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा त्रिगर्थ या फिर हम बोल सकते हैं रावी ब्यास और सतलुज के बीच वाला एरिया आर बी एस याद रख लीजिए ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच प्रिंसली किंग ऑफ कांगड़ा वास सूर्यवंशी तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है सूर्यवंशी राजा था इनमें से जो कांगड़ा से अलग हुई हैं रियासतें गुलेर सिब्बा जसवा या फिर द दब प्रिंसली किंग जल्दी से बताइए आंसर सूर्यवंशी था जो चलिए मैं बताता हूं बुक में जो आंसर दिया है दैट इज नन ऑफ द व लेकिन जो गुलेर का राजा था दैट वाज़ हरिचंद ठीक है हरिचंद जो था वो सूर्यवंशी क्लैन का ही था ठीक है या फिर हम बोले कटोज डायनेस्टी जो थी तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए हरिचंद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ऑफ कांगड़ा असेंडेड द थ्रोन इन द सेम ईयर एज जहांगीर असेंडेड द थ्रोन देखो जब जहांगीर गद्दी पे बैठा उसी दिन कांगड़ा का राजा कौन बैठा था गद्दी पे ये भी हमने डिस्कस किया था याद होगा तो जयचंद के बाद जो है जयचंद को जो है अकबर ने बंदी बना लिया था दिल्ली में तो उसके बाद राजा कौन बना आपका विधिचंद बना फिर विधिचंद के बाद जो बना वो बना त्रिलोक चंद तो त्रिलोक चंद जब राजा बनता है तभी जो है 1605 में दिल्ली में कौन बैठता है जहांगीर बैठता है तो हमारा ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू गुलेर वाज द कैपिटल ऑफ प्रिंसली स्टेट तो क्वेश्चन देखिए कितनी मिसस्पेलिंग करी गई है कि गुलेर वाज द कैपिटल तो गुलेर की कैपिटल थी हरिपुर ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा गुलेर की कैपिटल क्या थी हरिपुर थी ट्वेंटी थर्ड पर चलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग डू हचिंसन एंड वोच कंसीडर द स्टेट ऑफ तो मोहम्मदन जो स्टेट इन्होंने बताई है वो किसको बताया है? वो शाहपुर को बताया है हचिंसन और वोज के द्वारा ठीक है इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन लेकिन फिर भी पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम्स में ट्वेंटी फोर पे चलेंगे व्हाट वाज द नेम ऑफ द थ्रोन दैट थोड़ा सा मिस यहां पे कट गया ठीक है द किंग ऑफ कांगड़ा फेल इन लव विद थोड़ा सा यहां पे मिसपेल हो गया ये कट गया ठीक है तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ते हैं ये क्वेश्चन कट गया बीच में ठीक है तो इसको बाद में देख लेंगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट प्रिंसली स्टेट्स इज ए डैश ऑफ गुलेर ब्रांच ऑफ गुलेर है यहाँ पे ठीक है ये पूछ रहा है कि किसकी ब्रांच थी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव तो गुलेर की जो ब्रांचें हैं एक तो सिब्बा है दूसरी दतारपुर है तो ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बीस का सही आंसर हो जाएगा राइट right? सिब्बा और दतारपुर जो है किसकी ब्रांचेस हैं हैं। याद रखिए ये गुलेर की ब्रांचेस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स पे चलेंगे कांगड़ा प्रिंसली स्टेट के जो लास्ट राजा थे वो कौन थे घमंड चंद के बेटे थे संसार चंद संसार चंद का बेटा था अनिरुद्ध चंद तो अनिरु चंद का आगे बेटा था क्या ठीक है बिल्कुल नहीं क्योंकि ये जो है लास्ट रा, राजा जो है माना जाता है याद रखिएगा अनिरुद्ध चंद ठीक है अनिरुद्ध चंद जो है लास्ट रूलर थे जो कि आपको याद होगा हमने स्टोरी पढ़ी थी इनकी एक बहन थी उनकी शादी जो है महाराजा रणजीत सिंह जो है जम्मू के राजा के बेटे के साथ करवाना चाहते थे लेकिन उसके लिए ये सहमत नहीं थे है ना तो ये सारी कहानी याद होनी चाहिए सो अनिरुद्ध चंद जो है लास्ट रूलर हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन पे चलेंगे हु इज द फाउंडर ऑफ ऑफ डायनेस्टी कांगड़ा किंगडम दो जो कटोच डायनेस्टी कहां पे देखने को मिलेगी आपको त्रिगर्त के अंदर देखने को मिलेगी और उनके फाउंडर कौन थे भूमाचंद सागरचंद पृथ्वीचंद मेघचंद तो कौन थे भूमिचंद ऑप्शन ए भूमिचंद राइट अगर भूमिचंद ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या होगा सुशर्मा चंद तब आंसर क्या होगा सुशर्मा चंद राइट right? जो कि कटोच डायनेस्टी के थ्री थर्टी फोर्थ नंबर के राजा थे जो सुशर्मा चंद थे राइट चलिए वेरी गुड चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट विच ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ कांगड़ा वॉज गिवन द टाइटल ऑफ मेजर इन द ब्रिटिश आर्मी इन एटीन एटी एट तो कांगड़ा के डिसेंडेंट जिनको जो है मेजर का टाइटल दिया था ब्रिटिश आर्मी ने 1888 में वो कौन थे तो इनका नाम है जयचंद ठीक है जयचंद ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा 1888 में जो है इनको मेजर का टाइटल दिया था ब्रिटिश आर्मी में जयचंद आगे चलते हैं 29 पे द किंग ऑफ विच प्रिंसली स्टेट वॉज एबल टू सेव हिज प्रिंसली स्टेट फ्रॉम द सिख बिकॉज ही मैरिड टू प्रिंसेस ऑफ हिज फैमिली विद द फैमिली ऑफ ध्यान सिंह महाराजा रणजीत सिंह का जो मिनिस्टर था ध्यान सिंह देखो कहानी क्या थी महाराजा रणजीत सिंह तो करवाना चाहता था अनिरुद्ध चंद की जो सिस्टर थी उसके साथ लेकिन अनिरुद्ध चंद वहाँ से भाग गया ठीक है और जब राजा जो है ये महाराजा रणजीत सिंह जो है नदौन में पहुंचा तो नदोन के राजा ने प्रस्ताव रख दिया कि आप मेरी जो है दो बेटियों की शादी इनसे करवा दीजिए तो फिर नदोन के राजा की बेटियों के साथ जो है ध्यान सिंह की जो कि जम्मू का राजा था उसकी शादी हुई थी ठीक है आंसर क्या होगा यहां पे राइट right? तो कहीं पे नदौन है कहीं पे क्या है सिब्बा है ठीक है ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा राइट right? सिब्बा ठीक है उस समय ये कहां पे थे नदोन में ओके चलिए सिब्बा याद रख लेना सिब्बा के राजा की बेटी के साथ जो है उनकी शादी हुई थी चलिए थर्टी क्वेश्चन पे चलेंगे हु वॉज द कोर्ट पॉइंट ऑफ किंग धर्मचंद ऑफ कांगड़ा हु रोड द प्ले धर्मचंद इन 1562 धर्मचंद हो गया एक माणिक चंद ये दो नाटक जो है प्ले लिखे थे धर्मचंद के द्वारा पंद्रह में ठीक है इनके कोर्ट पॉइंट का नाम बताना है आपको कि कौन थे ठीक है कोर्ट पॉइंट मैंने आपको ही दिया धर्मचंद और आपके माणिकचंद ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा माणिक चंद क्वेश्चन नंबर थर्टी वन पे चलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वाज डिवाइडेड इनटू टू टू दो वंशजों में डिवाइड हुई थी विजय सिंह एंड राम सिंह इन द नाइनटीन सेंचुरी विजय सिंह और राम सिंह जो है दो अलग वंशज जो है अलग हो गए थे नाइनटीन सेंचुरी में ये कहाँ से बिलोंग करते थे थर्टी वन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सिब्बा ठीक है सिब्बा राइट इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था राम सिंह के बारे में हमने डिस्कस किया था ठीक है और विजय सिंह के बारे में देखिए बुक में एक दो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको को जो कि गलत दिए हैं आंसर ठीक है लेकिन रियल मायने में जो है वो आंसर कुछ और हैं थर्टी टू पे चलेंगे हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कांगड़ा अराउंड सिक्सटीन फिफ्टीन तो पहला यूरोपियन जो कांगड़ा आया था वो था थॉमस कोरियाट कहाँ है थॉमस कोरियाट ये है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कब आया था सोलह सौ पंद्रह में डेट भी याद रखना है आपने ठीक है थॉमस कोरियाट एंड right? देन उसके बाद कौन आया था थेवेनेट आया था फिर आया था फोस्टर फिर आया था आपका मूर क्राफ्ट 1820 के अंदर ठीक है फोस्टर कब आया था 1783 के अंदर ओके okay? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 जहांगीर सेंट हिज डिसेंडेंट ऑफ धमेडी नूरपुर टू तो कैप्चर फोर्ट ऑफ नगरकोट व्हिच टुगेदर विद द हिल चीफ लूটেড द रॉयल टेरिटरीज एंड लेटर फ्रेड टुवर्ड्स द माओ फोर्ट याद है किसकी बात हो रही है तो जो जहांगीर ने किसको भेजा था जहांगीर ने जो भेजा था वो भेजा था जगत सिंह प्लस राय रेन विक्रमजीत सिंह को किसको रोकने के लिए सूरजमल को रोकने के लिए ठीक है तो सूरजमल कहाँ भाग गया था माओ फोर्ट जो है मकोड फोर्ट मकोट दुर्ग जो था वहां पे जो है आपका भाग गया था राइट सो so, डी इसका सही आंसर होगा राइट फिर बाद में कहाँ चला गया था चंबा के अंदर और चंबा में जनार्दन ने उसे मार दिया था राइट चलिए थर्टी फोर्थ क्वेश्चन पे चलेंगे चिन में संदीपनी हिमालय आश्रम जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है इनमें से किसके नजदीक है वोल योला योल होगा योला लिखा है योल होगा नगरोटा बगवा या फिर बैजनाथ तो चिन में संदीपनी तपोवन जो है आपका वो या, जो लोकल है आपको पता भी होगा किसके नजदीक है धर्मशाला के योल के पास है ठीक है तो धर्मशाला के पास कौन पड़ता है यहाँ पे योल पड़ता है So, इसके नजदीक है आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव त्रिउुंड इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश त्रिउंड जो है हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है तो त्रियुंड जो है हमारा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है ठीक है त्रिउंड ट्रैक भी काफी फेमस है आपका ओके okay, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में त्रियुंड थर्टी सिक्स पे चलेंगे विच किंग ऑफ कांगड़ा प्रिंसली स्टेट रिफ्यूज टू मैरी हिज सिस्टर टू ध्यान सिंह सन ये देखो वही बात आ गई ना कौन सा ऐसा कांगड़ा का राजा था जिसने मना कर दिया था अपनी बहन की शादी जो ध्यान सिंह था ध्यान सिंह कौन था जम्मू का राजा तो उसके बेटे के साथ जो है शादी करने के लिए मना कर दिया और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा ओके किससे महाराजा रणजीत सिंह से वो कौन था अनिरुद्ध चंद था ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ओके राइट right? चलिए तो अलाइड के यहाँ पे क्वेश्चन आपको ज्यादा मैक्सिमम देखने को मिलेंगे थोड़ा डीप लेवल के अगर स्टोरी पता है तो आप जो है वहां पे आंसर दे पाएंगे थर्टी सेवन क्वेश्चन पे चलेंगे व्हेन किंग हरिचंद ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ कांगड़ा वाज प्रिज्यूम्ड डेड हु हुट ऑन हिज थ्रोन इंस्टेड तो याद होगा देखो जब हरिचंद जो है शिकार खेलने जाता है और वो कुएं में गिर जाता है बीस बाईस दिन बाद जो है उसको एक बिजनेस ने ढूंढा था राइट right? और उसको मरा हुआ सोच के उसका भाई हरिचंद का भाई जो था वो था आपका करमचंद उसको जो है यहां पे बिठा दिया गया था थ्रोन पे ठीक है राजगद्दी पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा ठीक है कौन था करमचंद था राइट right. सुनील राइट right. नितेश अनूप वेरी गुड सही है चलो कुछ क्वेश्चन बीच में एक या दो परसेंट ऐसे होंगे जो कि आपकी ना तो जोगटा किताब में है ना ही आपका ये हमारी वाली जो एक दर्पण है हिमाचल प्रदेश दर्पण उसमें है तो वो आपको दूसरी किताबों में देखने को मिल सकते हैं राइट जैसे कि जब बलोखरा है उसमें बट हमने वहां पे टारगेट नहीं करना वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एन के लिए एच एस के लिए लाइट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बट उनमें से भी कुछ ही पार्ट जो है वहां से आता है ना एटी टू नाइनटी परसेंट जो पेपर आता है वो यही बुक से आता है तो हमने यही बुकों को कवर करना है ठीक है चलिए थर्टी एट्थ क्वेश्चन पे चलेंगे इन एटीन फिफ्टी टू फिफ्टी वन एडी आफ्टर द एग्जाइल ऑफ किंग प्रमोद चंद विच नॉबल ऑफ लेम्बोग वॉज मेड हेड ऑफ द कटोचा डायनेस्टी तो देखो ये क्वेश्चन आपने ना तो हमने जोगटा बुक में देखा है ना ही हमने दर्पण बुक में देखा है ठीक है लेकिन आंसर तो देखना पड़ेगा तो इसका आंसर होगा प्रताप चंद राइट right? तो इसका आंसर होगा प्रताप चंद चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन ऑन विच इशू डिड किंग अनिरुद्ध चंद डिसाइड टू अबंडस्टेड ऑफ गोइंग डाउन टू महाराजा रणजीत सिंह तो कौन सा वैसा इशू था जिसके जो है जिसके लिए जो अनिरुद्ध चंद जो है जो कांगड़ा का आखिरी रूलर था उसने अपना जो जो क्या बोलते हैं उसको थ्रोन था या फिर राजगद्दी थी उसको त्यागना सही समझा इंस्टेड ऑफ कि रंजीत सिंह के सामने वो घुटने टेक ले तो क्या था वो मैरिंग हिज सिस्टर इन मियाँ ध्यानचंद फैमिली तो ध्यानचंद जो कि जम्मू का राजा था उसकी फैमिली में अपनी बहन की शादी नहीं करना चाहता था क्यों नहीं करना चाहता था क्योंकि ध्यानचंद को एक्चुअली ये जागीर के रूप में जो है जम्मू की वो मिली थी राजगद्दी वो कॉम्पिटेंट नहीं था इसलिए जो है वहां पर ये शादी नहीं करवाना चाहता था फोर्टी पे चलेंगे द ओनली डायनेस्टी दैट ओरिजिनेटेड इन हिमाचल प्रदेश एंड हुज एग्जिस्टेंस हैज नथिंग टू डू विद इमिग्रेशन तो ऐसी हमारी जो पुरानी डायनेस्टी है वंश है जो कि हिमाचल प्रदेश में ही ओरिजिनेट हुआ है और उसका इमिग्रेशन से कोई मतलब नहीं है पठानिया है कटोच है मनकोटिया है या फिर सेन डायनेस्टी। तो ये है आपकी कटोच डायनेस्टी कांगड़ा के जो त्रिगर्त वाली है ये इसका सही आंसर होगा राइट कटोच डायनेस्टी दैट इज त्रिगर्त 41 पे चलेंगे अकॉर्डिंग टू द वन ब्रिटिश दंड नायका इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज देयर ए सिस्टमैटिक रिजाइम इवन वेन द ग्रेट रोमन एम्पायर वॉज ऑल्सो इन इनफेंसी। इसका राइट right आंसर जो होगा वो होगा कांगड़ा ठीक है right? राइट so, सो देखो कांगड़ा जो थी त्रिगर्त जो थी ये हमारी ओल्डेस्ट है एंशियंट है ये एंशियंट हमारी ये जो रियासत है इससे काफी क्वेश्चन बन सकते हैं ये रोमन एम्पायर की बात करें तो यहां पे बात हो रही है एंशियंट की एंशियंट हिस्ट्री की ठीक <coughs> है तो पूरे हिमाचल में त्रिगर्त ही जो है सबसे ओल्डेस्ट है दूसरे नंबर पे कौन आती है आपकी कुल्लूत जिसको कुल्लू के नाम से हम जानते हैं राइट फोर्टी टू पर चलेंगे वाई इज द प्लेस नेम्ड घोरान ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट फेमस कांगड़ा का जो घोरान है वो क्यों फेमस है ओके okay? घोरान जो है वो इसलिए फेमस है क्योंकि वहां पे लोग जो इकट्ठे होते हैं वो जो बीमारी होती है कुछ बीमारियां जो होती हैं उनको उनकी निजात पाने के लिए इकट्ठे होते हैं तो यहां पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा टू गेट रीड ऑफ द डिजीज ठीक है जो बीमारियों का निदान पाने के लिए जो है पीपल घोरान नामक विलेज में यहाँ पे इकट्ठे होते हैं सी इसका सही आंसर होगा 43 पे चलेंगे द राजा संसारचंद हैड टू सीक आउटसाइड हेल्प टू फ्री कांगड़ा फ्रॉम क्लचिस ऑफ तो वो हेल्प किसकी मांगी थी राजा संसार ने किसकी हेल्प मांगी थी गोरखों से बचाव के लिए तो वो था महाराजा रणजीत सिंह जब इनकी जो संधि होती है 1809 में जिसको बोलते हैं हम ज्वालामुखी की संधि क्या बोलते हैं ज्वालामुखी की संधि राइट चलिए वेरी गुड क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर पे चलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ त्रिगर्तन रीजन इन एंशियंट टाइम आपको बताना है इनमें से जो डिस्ट्रिक्ट है जो कि नॉट ए पार्ट जो कि त्रिगर्त का पार्ट नहीं है एंशियंट टाइम में त्रिगर्त का पार्ट नहीं थी कुल्लू थी क्या ऊना थी क्या कांगड़ा थी चंबा थी इनमें से कौन सी नहीं थी पूछ रहा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पे ऑप्शन नंबर ऊना डी चंबा कुल्लू कांगड़ा ये त्रिगर्त का पार्ट हुआ करता था पहले याद रखिएगा त्रिगर्त का पार्ट हुआ करता था लेकिन ऊना वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ त्रिगर्त ठीक है चलिए 45 पे चलेंगे कीरग्राम वॉज ओल्ड नेम ऑफ कीरग्राम किसका नाम है अब पिछली वीडियो में मैंने एचपी जी के सोल्व करवाया था उसमें मैंने गलती से बनेड़ को मैंने बैजनाथ बता दिया था ठीक है टंग स्लिप हो गई थी मेरी तो बनेड़ तो हम सुंदरनगर को बोलते हैं बैजनाथ को हम कीरग्राम बोलते हैं राइट सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा गलती से मैंने वहां पे गलत बता दिया था ठीक है सो so, कई बच्चे कॉमेंट करने लगते हैं कि सर वो तो वो है तो सॉरी फॉर दैट कि वहां पर थोड़ी सी गलती हो गई मेरे से मैं जल्दबाजी में वो है नाम दूसरा ले गया था वहां पर राइट चलिए बहुत बढ़िया चलो बहुत बढ़िया चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हु बिल्ट द फोर्ट ऑफ नगरकोट इन एंशियंट टाइम देखो पुराने समय में जो हमारा नगरकोट फोर्ट है वो किसने बनाया था तो नगर कोट फोर्ट की बात करें तब का आंसर क्या हो जाएगा सुशर्मा ठीक है ऑप्शन बी अगर रियासत की बात करें तिगत रियासत की स्थापना करी तो भूमिचंद ने करी थी ठीक है तो नगरकोट में जो किला बनाया गया कांगड़ा का फोर्ट जो बनाया गया वो सुशर्मा चंद के द्वारा बनाया गया था ऑप्शन यहां पे बी इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है जी बी इसका सही आंसर हो जाएगा चलिए फोर्टी सेवन पे चलेंगे द रूलर ऑफ गुलेर हुम शाहजहां नेम्ड शेर अफगान अब देखो हमने ये पढ़ा है इसका आंसर आप बताओगे मैंने आपको काफी बार बताया कि शाहजहां ने किस राजा को शेर अफगान का टाइटल दिया था और नाम भी याद रखना बड़ा सिंपल है कुछ अलग सा नाम है जल्दी से बताइएगा 47 का आंसर 47 का आंसर बताइए जल्दी से वेरी गुड सुनील का आंसर आ गया सबसे पहले सुनील नितेश नितिका अनूप वेरी गुड आंसर विल बी मानसिंह ऑप्शन डी मानसिंग को जो है शेर अफगान का टाइटल दिया गया था ओके okay. चलिए 48 पे चलेंगे द नेम ऑफ द किंग कांगड़ा किंग ऑफ कांगड़ा हु यूनिफाइड द हिल प्रिंसली स्टेट अगेंस्ट अकबर एंड ब्रोक द बगल ऑफ रिवेलियन तो देखो राज कांगड़ा का राजा जिसने अकबर के खिलाफ बिगुल बजा दिया था लड़ाई का बाकी जो हिल स्टेट्स थी उनको साथ उनके राजाओं को साथ मिला के तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा विधिचंद हो जाएगा जब देखिए जयचंद को इनके पिता को जो है अकबर ने बंदी बना लिया था दिल्ली के अंदर तो उसके परिणाम स्वरूप जो है इसने पहली बार जो अटैक किया पंद्रह में किया जो कि असफल रहा था फिर इसने 1589 में किया वो भी वैसे असफल रहा लेकिन उस समय जो है इसने काफी जो पहाड़ी रियासतें थी उनको इकट्ठा मिलाया और अकबर के खिलाफ जो है यहाँ पे रिबेलियन कर दिया था उसमें ये असफल हो गया था और इसको अपने बेटे जिसका नाम था त्रिलोक चंद त्रिलोक चंद को जो है एज ए बंधक बना के जो है अकबर के दरबार में रखना पड़ा था राइट ऑप्शन सी इसका सही आंसर हुआ 49 पे चलेंगे इन 1809 A.D. Treaty एडी Jawalamukhi ऑफ ज्वालामुखी between. डन बिटवीन तो ये एक पिटा क्वेश्चन है 2013 के क्लर्क में पूछा गया है काफी बार रिपीट होता है क्वेश्चन तो रणजीत सिंह और किसके बीच में संसार चंद ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा 1809 की जो ज्वालामुखी ट्रिटी है रणजीत सिंह और संसार चंद के बीच में हुई थी जिसमें रणजीत सिंह के पास कांगड़ा का किला आ गया था प्लस सात सिक्सटी जो विलेजेस थे गांव थे वो भी इसके अंडर आ गए थे राइट चलिए नंबर फिफ्टी पे चलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है इसमें से कौन सा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में नहीं है शहीद स्मारक ब्रिजेश्वरी मंदिर चमुंडा मेमोरियल या फिर पंजपुला। इजी है। तो पंजपुला कहां पे है पंजपुला जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में नहीं है तो पंजपुला बताना है आपको किस डिस्ट्रिक्ट में है पंचपुला कहां पे है ब्रिजेश्वरी शहीद स्मारक जो है और चमुंडा जो मेमोरियल है वो आपको कांगड़ा में मिलेगा लेकिन पंजपुला कहां पे है वेरी गुड अनूप ने बता दिया दैट दैट इज इन चंबा राइट दैट इज इन चंबा ओके चंबा डिस्ट्रिक्ट में है वेरी गुड ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 51 वन वट वॉज द ओल्ड नेम ऑफ नूरपुर नूरपुर का पुराना नाम सभी को पता है धमेड़ी था ठीक है किसने रखा था जगत सिंह ने रखा था अच्छा नूरपुर की राजधानी पठानकोट टू धमेड़ी किसने ट्रांसफर करी थी राजा वासु ने करी थी वासुदेव ठीक है वासु ने जो है राजा वासुदेव ने यहां पे करी थी चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू वट इज द न्यू नेम ऑफ हिल स्टेट नोन एज धामीन धामीन किसका नाम है बताइए नूरपुर नगरकोट धर्मशाला या फिर धामी ठीक है धामिन हो चाहे धमेडी हो कंफ्यूज मत होना नूरपुर का नाम था ऑप्शन ए नूरपुर ओके ठीक है 1622 में ये नाम चेंज हुआ है याद रखिएगा जगत सिंह के द्वारा और मुझे बताइए नूरपुर का फोर्ट किसने बनाया था किस राजा ने नूरपुर का फोर्ट बनाया था ये मैंने आपको बताया भी था ठीक है जल्दी से आंसर बताएंगे नूरपुर का फोर्ट जो है किसने बनाया था सुनील का आंसर आ गया है नितिका का आंसर आ गया है वेरी गुड वेरी गुड राजा बासु ने बनाया था ठीक है इसने राजा बासु ने बनाया था चलिए 53 पे चलेंगे त्रिगर्त वॉज द एंशियंट नेम ऑफ विच प्लेस त्रिगर्त जो था किसका पुराना नाम था तो कांगड़ा का पुराना नाम था कहलूर बिलासपुर का था ठीक है चलिए 54 पे चलेंगे नेम द ओल्डेस्ट हिल स्टेट सबसे पुरानी कौन सी थी त्रिगर्त थी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा दलाई लामा केम टू धर्मशाला इन तो देखिए दलाई लामा की अगर हम बात करें तिब्बतियों की बात करें तो ये आए थे 1959 के 1959 के के अंदर अंदर ठीक है आए थे ये भी हमने डिस्कस किया था 56 पे चलेंगे कांगड़ा फोर्ट इज नोन एज कांगड़ा फोर्ट को हम भीमकोट नगरकोट दोनों के नाम से जानते हैं इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है और भीम कोट किसने बोला था फरिश्ता ने ठीक है फरिश्ता कोट पॉइंट है और फरिश्ता ने जो बोला था वो भीम कोट और भीमनगर किसने बोला था उत्वी ने बोला था चलिए 57 पे चलेंगे विच ऑफ द फॉरिंग इज द ओल्डेस्ट नेचुरल स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ओल्डेस्ट नेचुरल स्टेट है त्रिगर्थ राइट right? 58 पे पर चलेंगे चिन्मय तपोवन आश्रम जो है हमारा कहां पे है कांगड़ कांगड़ा के धर्मशाला के अंदर है 59 पे चलेंगे। in 1848, स्टेट हिमाचल प्रदेश फर्स्ट स्टेट, ब्रिटिश केम ठीक है द लीडर ऑफ द रिवेलियन वाज तो 1848 में जो है हिमाचल प्रदेश की जो पहली स्टेट जिन्होंने गोरखों के खिलाफ जो है जो रिवेल कर दिया था ठीक है वो थे वजीर सिंह वजीर राम सिंह पठानिया ऑप्शन बीस का सही आंसर होगा जिनको भेज दिया गया था सिंगापुर के रंगून में ठीक है रंगून सिंगापुर में जो है उनकी मृत्यु हो गई थी राइट चलिए और उस समय नूरपुर का राजा कौन था जसवंत सिंह सिक्सटी पे चलेंगे हु प्रिंसली स्टेट चौदह सौ पांच में कौन सी प्रिंसली स्टेट की स्थापना हुई गुलेर की हुई थी हरिचंद के द्वारा ठीक है किसकी गुलेर की स्थापना हरिचंद के द्वारा 1905 में हुई थी नेक्स्ट 61. वन वेर डिड द डेथ ऑफ वजीर राम सिंह पठानिया ऑफ नूरपुर कहां हुई थी हमने देखा सिंगापुर के अंदर हुई ऑप्शन बी इसका सही आंसर है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे ठीक है चलिए बिल्कुल हरिचंद गुलेर राइट right. चलिए अगला क्वेश्चन है पाणिनी मेंशन द त्रिगर्त एज आयुधजीवी देखो पाणिनी ने अपनी किताब को क्या क्या नाम है अष्टध्यायी अष्टध्यायी किताब किसने लिखी है पाणिनी ने लिखी है उसमें इसने बत, बताया था कि त्रिगर्तों को आयुधजीवी जो है बताया गया है आयुधजीवी का मतलब है फाइटर स्पीसीस फाइटिंग नेचर ओके सो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा फाइटिंग स्पीसीस ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा जो लड़ाई वगैरह करते हैं उनको बताया गया है आयुध जीवी त्रिगर्तों को 63 पे चलेंगे द नेम नेम ऑफ कांगड़ा कांगड़ा का ancient name, त्रिगर्त ऑप्शन बी 64 पे चलेंगे व्हाट इज द द नेम ऑफ किंगडम ऑफ कांगड़ा इन महाभारत पीरियड तो महाभारत पीरियड में इसको त्रिगर्त के नाम से जानते थे राइट और जो कांगड़ा का राजा था अशोक उस शर्मा उसने किन का साथ दिया था कोरवों का साथ दिया था राइट सिक्सटी फाइव में चलेंगे विच किंग कॉल्ड द गोरखास टू क्लाइंब Uh, कांगड़ा तो किस राजा ने बुलाया था गोरखा अमर सिंह थापा को कांगड़ा पे चढ़ाई के लिए मोहन सिंह संसार चंद ईश्वरी सेन सिद्ध सेन तो याद होगा देखो ऐसे तो महानचंद ने बुलाया था ठीक है ऐसे किसने बुलाया था महानचंद ने बुलाया था लेकिन कांगड़ा पे अटैक करने के लिए बुलाया था ईश्वरी सेन ने क्यों बुलाया था क्योंकि ये जो संसार चंद है ईश्वरी सेन को इसने 12 साल तक नदौन में कैद करके रखा था कहां पे नदौन में कैद करके रखा था जिसको छुड़ाया अमर सिंह थापा ने ठीक है तो इसका आंसर सी इसका सही आंसर होगा ईश्वरी सेन मंडी का राजा था 66 पे चलेंगे वेन डिड द ब्रिटिश मूव द कांगड़ा हेडक्वार्टर टू धर्मशाला तो कांगड़ा का हेडक्वार्टर उन्होंने धर्मशाला कब जो किया था स्थानांकृत अठारह में याद रख लीजिएगा 1855 में जो है यहां पे इसको चेंज किया गया था राइट right? चलिए अस्तित्व में कब आया था धर्मशाला 1849 में ओके okay. 67 की बात करें हु रिमेन्ड सेपरेट फ्रॉम कॉन्फेडरेशन फॉर्मड अगेंस्ट द सुबेदार रियाज बैग ऑफ पंजाब ड्यू टू इम प्रॉपर इंटरफेरेंस इन द अफेयर ऑफ द हिल स्टेट तो सुबेदार जो रियाज बैग है पंजाब का जो गवर्नर हम बोल सकते हैं हुआ करता था तो उसके खिलाफ जो है कॉन्स्पिरेसी में कौन शामिल नहीं हुआ था वो अलग रहा था बाकी राज्यों से छत्र सिंह चंबा से या राज सिंह गुलेर से धीरज पाल से या फिर जगत सिंह कांगड़ा से तो जो जगत सिंह थे नूरपुर के राजा वो जो है अलग रहे थे उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था इनके खिलाफ ठीक है जो नूरपुर के राजा जगत सिंह थे उन्होंने इनके खिलाफ अटैक नहीं किया था राइट सुनील 1855 वेरी गुड चलिए 88 पे चलेंगे हु वॉज द फर्स्ट सिख जनरल टू अटैक कांगड़ा इन सेकेंड हाफ ऑफ एटीन सेंचुरी पहला सिख जनरल जिसने कांगड़ा पे अटैक किया था याद रखिए कौन था जयसिंह कन्हैया था हरि सिंह नालवा था जस्सा सिंह रामगढ़िया था याद होगा सी जस्सा सिंह रामगढ़िया ठीक है जिसको जयसिंह कन्हैया ने हराया था ओके ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा 69 पे चलेंगे विच रूलर ऑफ नूरपुर वॉज टेकन कैप्टिव बाय बैरम खान टू लाहौर देखो नूरपुर का राजा जिसको 1558 में लाहौर भेज दिया गया था बैरम खान के द्वारा देखो अकबर ने लाहौर भेज दिया लेकिन लाहौर में इसको बैरम खान ने मरवा दिया था हमने याद करो किसके बारे में पढ़ा ये पहाड़ी मल भक्तमल काकुहो या फिर कैलाश पाल यह हमने पढ़ा था कौन था भक्तमल था ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा राइट right? इसके टाइम पे जो इस्लाम शाह सूरी है शेर शाह सूरी का जो बेटा था उसने आ, जो मकाओ फोर्ट था वो बनाया था मकोट दुर्ग ठीक है भक्तमल के टाइम पे ही बनाया था और बैरम खान ने इसको 1558 में लाहौर में मरवा दिया था चलिए 70 पे चलेंगे वाई डिड संसार चंद गेव कांगड़ा फोर्ट एंड 66 सिक्स विलेजेस टू महाराजा रणजीत सिंह तो संसार चंद ने क्यों दिया था कांगड़ा फोर्ट और छियासठ विलेजेस महाराजा रणजीत सिंह को तो ट्रिटी ऑफ of... कौन सी ज्वालामुखी के तहत क्योंकि इसने किससे प्रोटेक्ट करवाया था टू हेल्प हिम डिफीट द ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा क्योंकि अमर सिंह थापा को हराने में अमर सिंह थापा को जो है हराने में इसकी मदद की गई थी इसलिए जो है वहां पे इसको एज ए देना पड़ा था ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन के अंदर अटैक्ड कांगड़ा इन एटीन जीरो फाइव तो अमर सिंह थापा ने कांगड़ा पे अटैक किया था याद होगा ठीक है बैटल ऑफ महल मोरियो जिसमें इसकी हार हुई थी संसार चंद की गोरखाओं सेवनटी टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश रूल बिफोर एटीन फोर्टी सेवन एटीन नाइनटीन फोर्टी सेवन से पहले जो है इनमें से आपको बताना है कौन सी स्टेट जो थी ब्रिटिश रूल के डायरेक्टली अंडर थी मंडी बिलासपुर कांगड़ा सुकेत क्या आंसर हो जाएगा आपका कांगड़ा बिल्कुल कांगड़ा ठीक है ऑप्शन सी इसका सही आंसर सेवेंटी थ्री पे चलेंगे इन विच डिस्ट्रिक्ट इज पांड्रा ब्यास रीजन लोकेटेड तो पांड्रा ब्यास रीजन जो है किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है तो यहां पे थोड़ा शिमला का क्वेश्चन आ गया ठीक है आंसर इसका शिमला होगा पांड्रा ब्यास क्षेत्र जो है शिमला के अंदर आता है बिल्ट द कांगड़ा फोर्ट कांगड़ा फोर्ट सुशर्मा चंद ने बनाया ऑप्शन डी का सही आंसर होगा नेक्स्ट इज हूज नेम वॉज भीमकोट भीम कोट किसका नाम था भीम कोट कांगड़ा फोर्ट का नाम था विच स्टेप ऑफ किंग संसार चंद इंस्पायर दिल रूलर टू कंट्रोल द गोरखाज बाई अटैकिंग द कांगड़ा तो किस वजह से गोरखाओं का गोरखाओं को बुलाना पड़ा संसार चंद के खिलाफ कौन सा ऐसा स्टेप था संसार चंद का ठीक है ऑन इन्वेडिंग द प्रिंसली स्टेट ऑफ कहलूर है ना तो कहलूर पे आक्रमण जो था वो इसके पतन का कारण माना जाता है कहलूर का उस समय राजा था महान चंद ठीक है पहले तो लड़ाई जो हुई थी उसमें जो करम प्रकाश है सिरमौर का राजा उसकी तो मृत्यु हो गई थी फिर उसके उपलक्ष में जो है इसने छातीपुर किला बनाया था बिलासपुर के अंदर याद रखिए संसार चंद ने ठीक है सो so, उसके बाद फिर अमर सिंह थापा को जो है 1805 में जब बुलाया गया तो महलमोरी और हमीरपुर के अंदर एक जगह है वहां पे फाइट होती है और इसकी हार हो जाती है 77 सेवन पर चलेंगे इन एंशियंट टाइम्स बाय वट नेम वॉज कांगड़ा नोन तो कांगड़ा को हम जो है किस नाम से जानते थे नगर कोट के नाम से जानते थे ठीक है जी अब देखो जो त्रिगर्त है ना त्रिगर्त दो पार्ट में बना है एक तो जो जालंधर वाला एरिया था दुआब क्षेत्र और जो कांगड़ा वाला एरिया था ठीक है दोनों को जो है मिला के बना था जलंधर वाला एरिया प्लेन एरिया था और ये जो कांगड़ा वाला एरिया था नगरकोट वाला ये हिली एरिया हुआ करता था राइट right? चलिए पे चलते हैं इन ईयर डिड आलमचंद द सिटी ऑफ आलमपुर ऑन द बैंक्स ऑफ ब्यास रिवर कौन से साल में आलमचंद ने आलमपुर की स्थापना करी थी कौन से साल में करी थी सिक्सटीन के अंदर ऑप्शन बीस का सही आंसर होगा सिक्सटीन '97 के अंदर जो है इसने स्थापना करी थी चलिए बहुत अच्छे चलिए 79 पे चलेंगे वेन वॉज द नूरपुर स्टेट फाउंडेड द तोमर राजपूत जेठपाल देखो याद रखिएगा कि नूरपुर की जो जो राज सॉरी रियासत है वो जेठपाल के द्वारा ठीक है नूरपुर जो रियासत है वो राजा जेठपाल के द्वारा एक हजार ईस्वी में जो है फाउंड की गई थी ऑप्शन बीस का सही आंसर होगा ठीक है जेठपाल का नाम याद रखिएगा दूसरा जो है वासु ठीक है राजा वासु का ओके चलिए पे चलेंगे हु बिल्ट द शाहपुर फोर्ट शाहपुर फोर्ट किस फोर्ट जो है किसने बिल्ट किया था तो ये भक्तमल ने किया था ये भी हमने पढ़ा था याद होगा भक्तमल ने ही जो है शाहपुर का किला बनाया था ऑप्शन यहां पे डी इसका सही आंसर होगा राइट चलिए जिसको कहां पे लाहौर में बैरम खान ने मार दिया था अभी हमने पढ़ा था एटी पे चलेंगे हु बिल्ट द तारागढ़ दुर्ग तारागढ़ दुर्ग जो है नूरपुर स्टेट का वो जो है किसके द्वारा बनाया गया था तो राजा जगत सिंह याद रखिए जगत सिंह ने तारागढ़ फोर्ट बनाया था तारागढ़ फोर्ट ओके okay, तारागढ़ फोर्ट किसने बनाया जगत सिंह ने चलिए 82 पे चलेंगे वट इज द हाइट ऑफ धर्मशाला द हेडक्वार्टर ऑफ कांगड़ा तो धर्मशाला की हाइट कितनी है मीटर में पूछी गई है तो इसकी जो हाइट है वो है आपकी 1597 मीटर की 1597 ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा तो अप्रोक्सीमेटली 1500 मीटर आप याद रखिए कि कांगड़ा की हाइट है और सबसे ज्यादा जो रेनफॉल जो होता है पूरे हिमाचल के अंदर वो कहां होता है धर्मशाला के अंदर होता है ये भी हमने देखा था कितना होता है थ्री फोर्टी सेंटीमीटर जो है रेनफॉल एनुअल जो जो है है पे होता है। ओके और सबसे शुष्क जो हमारा जिला है वो कौन सा है लाहौल स्पीति है चलिए एटी थ्री पे चलेंगे वट वॉज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट 2011 के अकॉर्डिंग जो है हमारा जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पूछा है हालांकि इतना डीप क्वेश्चन आपको नहीं पूछेंगे 12.56 परसेंट जो है ग्रोथ रेट है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलस जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है राइट अगर अगर हम बात करें 2011 के सेंसिस के अकॉर्डिंग तो लगभग 15 लाख जो है पॉपुलेशन जो है यहाँ पे कांगड़ा के हालांकि अभी इंक्रीज हो चुकी है लेकिन दो के सेंसिस के अकॉर्डिंग जो है लगभग पंद्रह लाख साढ़े लाख जो है पॉपुलेशन है ओके अगर पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से देखें तो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी है आपकी हमीरपुर की है ठीक है पॉपुलेशन डेंसिटी जो है हमीरपुर की ज्यादा है 84 पे चलेंगे वट वॉज द पॉपुलेशन ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इन 2011 तो अभी मैंने ऊपर बताया आपको ये जो है पंद्रह लाख सात हजार जो है और दो जो है इतनी जो है आपकी पॉपुलेशन है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की 85 पे चलेंगे हु फाउंडेड द सिटी ऑफ बीजापुर बीजापुर सिटी की जो है खोज किसने करी थी उदयचंद आलमचंद विजय रामचंद या फिर भीमचंद तो ये करी थी विजय रामचंद ने ठीक है विजय रामचंद ने बीजापुर सिटी की खोज करी थी 86 पे चलेंगे Under whose jurisdiction was Fort from 1783 to 1787 देखो कांगड़ा जो किला था सत्रह से लेकर सत्रह के बीच में किसके पास था तो याद है स्टोरी जयसिंह कन्हैया के पास था ठीक है किसके पास था जयसिंह कन्हैया के पास था तो जब संसार चंद ने जो है जब ये जसा सिंह रामगढ़िया को हराता है जयसिंह कन्हैया तो ये चार वर्षों तक जो है ये किला अपने पास रखेगा ठीक है चार वर्षों तक अपने पास रखता है फिर 1787 में ये किला जो है संसार चंद को वापस देता है और बदले में मैदानी भूभाग अपने पास रख लेता था एट्टी की बात करें हु वॉज द नेरटी शाहपुर वार नेटी शाहपुर वॉर वॉज टुक प्लेस बिटवीन संसार चंद एंड देखो चंबा के राजा राज और संसार चंद के बीच में एक शाहपुर के पास जगह है वहां पे एक फाइट हुई थी किस साल में हुई थी 1786 में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है सत्रह सो छियासी में ये बार हुआ था जिसमें जो चंबा का राजा था इसकी वहां पर मृत्यु हो जाती है राज सिंह की राइट चलिए वेरी गुड चलिए 88 पे चलेंगे विच प्रिंसली स्टेट इनवेजन लेड टू दसारेजन मतलब जो किया था जिसके थ्रू जो है संसार चंद का पतन का कारण बना था कौन सी थी बिलासपुर जिसको कहलूर के नाम से जानते थे महान चंद उस समय राजा था अमर सिंह थापा को बुलाया और जो है इसकी हार हुई वहां पे। चलिए 89 क्वेश्चन पे चलेंगे राजा उदय सिंह ऑफ चंबा वॉज मेड द गार्डन ऑफ विच किंग ऑफ गुलेर अभी अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि गुलेर का ऐसा राजा जिसको उदय सिंह का संरक्षण प्राप्त था चंबा के राजा उदय सिंह का संरक्षण प्राप्त था वो था दिलीप सिंह मान सिंह राम सिंह या फिर तेज सिंह इसका आंसर जल्दी से दीजिए मैंने करवाया था आपको याद होगा जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें उदय सिंह को किसका संरक्षण प्राप्त था वो गुलेर का एक राजा था जिसने बसोली और जम्मू के अटैक से भी उसको बचाया था याद होगा आपको मैंने ये करवाया था सुनील जी राम नहीं होगा ठीक है आंसर विल बी दलीप नाम याद रख लो दिलीप सिंह को जो है दलीप सिंह का जो है ये संरक्षक था ओके ऑप्शन ए इज द राइट आंसर तो जब रामचंद रामचंद्र की मृत्यु हो जाती है उस समय दिलीप सिंह राजा बनता है लेकिन ये छोटी उम्र का था लगभग सात आठ साल की उम्र का था तो इसको संरक्षण प्राप्त था उदय सिंह ऑफ चंबा का नाइनटी पर चलेंगे इन विच ईयर डिड घमंड टेक गुलेर अंडर हिज कंट्रोल ये भी हमने डेट पढ़ी थी कि गुलेर पे कब्जा जो है घमंड चंद ने कब किया था तो सेवनटीन फिफ्टी एट में ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा सेवनटीन फिफ्टी एट में राइट फिर बाद में जो है इसके बेटे संसार चंद ने भी उस पर कब्जा कर लिया था 91 पे चलेंगे हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ गुलेर प्रिंसली स्टेट गुलेर का आखिरी राजा कौन था पहला तो था हमीर चंद फाउंडर और आखिरी कौन था भूप सिंह था संसार चंद था रघुनाथ था या फिर रूपचंद था ये भी हमने पढ़ा था कौन था भूप सिंह भूप सिंह आखिरी राजा था याद रखिएगा ओके और नूरपुर का कौन था वीर सिंह नूरपुर का कौन था वीर सिंह था 92 पे चलेंगे हु बिल्ट द मकोट फोर्ट ऑफ नूरपुर अभी हमने देखा ऊपर कि दुर्ग जो बनाया गया था वो सलीम शाह जो सूरी का बेटा था या इसको इस्लाम जो है इस्लाम शाह भी बोला जाता है ठीक है तो कंफ्यूज मत होना तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सलीम शूरशाह चलिए ओके okay. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री हु ट्रांसफर्ड धमेडी फ्रॉम पठानकोट द कैपिटल ऑफ नूरपुर जो पठानकोट से धमेड़ी ट्रांसफर हुई कैपिटल वो राजा बासदेव ने करी थी ठीक है कब करी थी 1580 में 1580 में जो है ये ट्रांसफर हुई थी तो देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का ये तह, मतलब है कि आपने जो थ्योरी पढ़ी है क्या आप उसको रिटेन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे तो ये ये जो चीज़ है यहाँ पे आपकी पेट हो जाती है अगर यहां पे आप भूल रहे हो कोई बात नहीं जब हम एक और बार जो है यहां ये यह प्रैक्टिस करेंगे तो तब जाके जो है आपको और ज्यादा याद होगा वैसे अभी आपको जो है नाइनटी परसेंट डेटा याद हो गया होगा ठीक है एमसीक्यूज लगा के ही कि ये जो है फैक्ट आपको याद रखने हैं राइट बासु चलिए नाइंटी फोर पे चलेंगे बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं विच किंग एरा वॉज कॉल्ड गोल्डन एज इन द हिस्ट्री ऑफ नूरपुर एज नूरपुर स्टेट तो नूरपुर का जो गोल्डन पीरियड जो है किस राजा के टाइम को हम मानते हैं तो हमने देखा था कि एक ऐसा राजा जिसके समय में कोई लड़ाई वगैरह नहीं हुई काफी पीसफुल जो था उस समय जो है उसका एम्पायर चल रहा था नहीं वो नहीं होगा इसमें इसमें जो होगा वो उसके टाइम पे तो पीसफुल था लड़ाई वगैरह थी नहीं लेकिन जो राजा जगत सिंह कहाँ गया जगत सिंह तो ऑप्शन में नहीं है हाँ है तो है राजा जगत सिंह के समय में ठीक है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा तो गोल्डन पीरियड किसको माना जाता है नूरपुर का राजा जगत सिंह का टाइम जो था उसको गोल्डन पीरियड माना गया है फिर 95 पे चलेंगे बाहू सिंह मुरीद खान के नाम से जो जाना गया बाद में हु कन्वर्टेड टू इस्लाम इन 1686 एटी सिक्स वॉज द किंग ऑफ विच प्रिंसली स्टेट तो नूरपुर का राजा था ना बाहू सिंह जिसने मुरीद खान जो है अपना नाम चेंज कर लिया था नूरपुर का राजा बाहू सिंह जिसने मुरीद खान अपना नाम चेंज कर लिया था सोलह में 96 पे चलेंगे विच वॉज द स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ कांगड़ा ऑन द बेसिस ऑफ एरिया एरिया के बेसिस पे जो सबसे छोटी थी वो थी कुटलेहर ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा कुटलेहर वीर वॉज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट तो वीर हमने देखी थी ना कैपिटल किसकी है तो वो मैंने आपको करवाया था तो ये बंगाल की थी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा बंगाल तो बंगाल की खोज भी जो है एक ब्राह्मण के द्वारा जो है यहाँ पे की गई थी और पृथ्वीपाल जो था पृथ्वीपाल जो है इसका सबसे फेमस राजा था जिसको मंडी के राजा सिद्ध सेन ने दमदमा पैलेस में मरवा दिया था याद होगा ये चीज स्टोरी हमने पिछली वीडियो में देखी थी राइट वेरी गुड हाँ ओके चलिए 98 पे चलेंगे नीर सिंह वॉज द लास्ट रूलर ऑफ विच प्रिंसली स्टेट तो नीर सिंह जो था किसका लास्ट रूलर था नूरपुर का बताया गया है लेकिन ये सही नहीं होगा जसवंत सिंह जो था वो लास्ट रूलर था वैसे तो ठीक है ओके चलिए 99 पे चलें कोट कहलूर वाज़ द कैपिटल ऑफ विच स्टेट जसवंत सिंह को देखिए जब 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उस समय जसवंत सिंह जो था नूरपुर का राजा था उससे पहले जो है अगर मेन राजा अगर हम बात करें तो वीर सिंह जो है आखिरी राजा माना जाता है नूरपुर प्रिंसली स्टेट का ठीक है तो ये गलत है क्वेश्चन नीर सिंह नाम का कोई राजा नहीं है राइट चलिए कोट कहलूर जो थी किसकी कैपिटल थी बड़ा बंगाल की दतारपुर की कुटलेहर की या फिर सिब्बा की तो ये कुटलेहर की ठीक है कुटलेहर की राजधानी याद रख लेना नई इंफॉर्मेशन कोर्ट कहलूर थी हंड्रेड क्वेश्चन पे चलेंगे ड्यूरिंग विच राइन ऑफ विच किंग ऑफ नूरपुर प्रिंसली स्टेट डिड द मुगल विन द फोर्ट ऑफ मकोट नूरपुर तारागढ़ देखो ये जो मकोट दुर्ग था नूरपुर फोर्ट था और तारागढ़ दुर्ग जो कि तारागढ़ दुर्ग किसने बनाया था जगत सिंह ने तो ये जगत सिंह के अंडर था ये इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था ठीक है तो इस पर कैप्चर किया था इन्होंने तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा जगत सिंह ओके okay? चलिए पे चलेंगे वन पे चलेंगे फर्स्ट यूरोपियन टू ब्रिंग अटेंशन टू द हिस्ट्री ऑफ रॉयल फैमिली ऑफ जलंधर एंड त्रिगर्थ तो पहले यूरोपियन ने जिसने बात करी थी जलंधर और त्रिगर्थ के बारे में तो वो था कनिंगम ठीक है कनिंगम जो था इसने बात करी थी याद रखिएगा ऑप्शन बीस का सही आंसर होगा राइट right? चलिए 102 पे चलेंगे कांगड़ा के राजा संसार चंद के द्वारा जो है कुटलेहर रियासत को कब्जे में ले लिया गया था लेकिन उसको वापिस किसने लिया किस राजा ने जो, कि, मतलब उस सिखों ने ब्रिटिशर्स ने गोरखों ने या फिर मुगलों ने जो है वापिस लिया था पहले संसार चंद ने इसको कैप्चर किया था उसके बाद किसने कैप्चर किया गोरखाओ ने कैप्चर कर लिया था ठीक है गोरखाव ने इसको कैप्चर कर लिया था 1805 के अंदर ऑप्शन बीस का सही आंसर है 103 पे चलेंगे विच किंग ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ नूरपुर बिल्ट तारागढ़ फोर्ट आंसर मिल गया तारागढ़ फोर्ट किसने बनाया ठीक है 625 और 30 के अराउंड जो है ये फोर्ट बना जगत सिंह के द्वारा बार बार मैंने बता दिया अब रट जाना चाहिए तारागढ़ फोर्ट किसने बनाया था राइट ओके चलिए चलिए 104 पे चलेंगे बस जो है दस क्वेश्चन मैक्सिमम बचे हैं विच यूरोपियन ट्रैवलर ट्रैवल टू जम्मू फ्रॉम नाहन टू नूरपुर अराउंड 1783 कौन सा यूरोपियन ट्रैवलर जो है 1783 में आया था हमने पढ़ा है फोस्टर आया था ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा ओके okay. ठीक है चलिए विघने कब आए हैं 1839 के अंदर 1839 के अंदर चलिए द किंग ऑफ विच प्रिंसली स्टेट हेल्प अकबर इन कैप्चरिंग द जयचंद ऑफ कांगड़ा तो राजा का, कांगड़ा का राजा जो था उसको कैप्चर करने में जो गुलेर के राजा ने जो सहायता करी थी ठीक है ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है जिनका नाम था क्या रामचंद चलिए नियर धर्मशाला सिटी विच प्लेस इज कॉल्ड छोटा इजराइल छोटा इजराइल जो है किसको बोला जाता है छोटा इजराइल किसको बोला जाता है तो त्रिवुंड के पास सॉरी आपका मैकलोडगंज के ऊपर आप देखेंगे जाएंगे तो धर्मकोट आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा जिसको छोटा इसराइल के नाम से जाना जाता है ठीक है काफी इसराइली लोग जो है वहां पर आते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन तो नंबर थ्री विच विलेज नियर धर्मशाला इज द सेंटर फॉर मेडिटेशन लोकेटेड तो कौन से धर्मशाला विलेज में विपासना सेंटर है शाहकोट मकोट धर्मकोट या फिर सिद्धवाड़ी के अंदर ये धर्मकोट के अंदर है ठीक है ऑप्शन सी धर्मकोट फोर्थ पे चलेंगे इन विच डिस्ट्रिक्ट इज त्रियुंड एंड धर्मकोट धर्मकोट और धर्मकोट्रियुंड कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट विच किंग ऑफ कांगड़ा फेल इन टू ए वेल वाइल प्लेइंग कौन सा कांगड़ा का राजा जो कि कुएं में गया गया गिर था शिकार शिकार करते करते हुए हुए तो हमने देखा कि वो था हरिचंद फर्स्ट जो कि गुलेर का बाद में राजा बना सिक्स पे चलेंगे हु द लास्ट किंग टू रूल द प्रिंसली स्टेट ऑफ नूरपुर नूरपुर का आखिरी राजा जो था वीर सिंह था ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा ओके okay? चलिए तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई होप वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना जिसने भी लाइक नहीं किया है ठीक है सो so ये आप याद रखिए एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में तो इनको याद रखिएगा वेरी गुड सभी का आंसर सही है हरिचंद कांगड़ा ओके okay, चलिए चलिए तो करते हैं लेक्चर को क्लोज मिलते हैं कल नए एपिसोड में नए लेक्चर में ठीक है जी तो इसी तरह से क्लासेस चलती रहेंगी नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो है हम कौन सा कवर करें लेट मी चेक कुल्लू का इतिहास जानेंगे ठीक है कुल्लू का इतिहास पढ़ेंगे कल से कल से हम कुल्लू का इतिहास जानेंगे ठीक है उसके बाद मंडी जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है जहां से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो हम पहले डिस्कस कर लेंगे राइट right? चलिए तो कल दोपहर को आपको एमसीक्यू जो है मिल जाएगा प्रीवियस ईयर का पॉलिटी का सेशन जो है हम डिटेल में कल जानेंगे उसको जरूर देख लेना ठीक है टेलीग्राम पे मैं लिंक दे दूंगा और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से आप उसे ज्वाइन कर लें साथ ही साथ फेसबुक पेज पे भी ज्वाइन करिएगा ओके चलिए तो दोस्तों मिलते हैं कल नए लेक्चर में तब तक मिलते हैं बाय बाय टेक केयर गुड नाइट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर जय हिंद